राष्ट्रपति ने कहा सभी शैक्षणिक संस्थान बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें। पुणे में सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिन की यात्रा पर हुए रवाना। मुख्यमंत्री दुर्ग जिले के मड़ियापार गांव में आयोजित पूरा महोत्सव में हुए शामिल। बैल दौड़ को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। और दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 9 वर्दीधारी माओवादी मारे गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं लीना साहू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि वे देश के विकास का अभिन्न अंग है। उन्होंने यह बात आज पुणे में सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर कही। उन्होंने स्त्री पुरुष समानता पर बल देते हुए समावेशी विकास की दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वर्ण पदक विजेताओं में 11 में से 8 महिलाएं होना विश्वविद्यालय के इन्हीं प्रयासों को दर्शाता है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि स्वर्ण पदक पाने वाले 11 विद्यार्थियों में से 8 छात्राएं हैं। इनमें से 2 बेटियां हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी है। मैं सभी बेटियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हमारे बहनें और बेटियां हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। नारी शक्ति का विकास देशवासियों के लिए गर्व की बात है। ये देश के विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड भी है। ये प्रशंसनीय है कि सिम्बायोसिस डीम यूनिवर्सिटी में जेंडर इक्विटी को भी प्राथमिकता दी जाती है। मैं सभी शिक्षण संस्थानों से आग्रह करती हूँ कि छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कार्यक्रम चलाएं और उनके लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण तैयार करें। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों का लक्ष्य मूल्यों पर आधारित शिक्षा, संस्कृति तथा समाज की जरूरतें समझने में विद्यार्थियों की मदद करना होना चाहिए। राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि ऐसे स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद विकसित किए जाने चाहिए जो संपूर्ण समाज, विशेष रूप से उपेक्षित वर्गों के लिए उपयोगी हो। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के विदेशी विद्यार्थियों से कहा कि वे ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल अपने अपने देशों में मानवता की बेहतरी के लिए करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई और सिंगापुर के 3 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। वे आज और कल ब्रुनेई की यात्रा पर रहेंगे। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की यह पहली ब्रुनेई यात्रा है। भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह यात्रा हो रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री की यात्रा का दूसरा पड़ाव सिंगापुर होगा। वे सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर 4 और 5 सितंबर को वहां की यात्रा पर रहेंगे। दोनों नेता भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हितों के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अपनी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि ब्रुनेई और सिंगापुर की उनकी यात्रा से दोनों देशों के साथ तथा बड़े आसियान क्षेत्र में भारत की साझेदारी और मजबूत होगी। दोनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि भारत की नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण के मामले में दोनों देश महत्वपूर्ण साझेदार हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग जिले के मड़ियापार गांव में आयोजित पोरा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने बैल दौड़ को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शास्त्री नव युवक मंडल मड़ियापार, छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ की पुरातन संस्कृति और पारंपरिक खेलों का संगम प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पोरा त्यौहार किसानों का खेती किसानी से जुड़ा सबसे बड़ा त्यौहार है। यह हमारे जीवन में खेती किसानी और पशुधन का महत्व बताता है। श्री साय ने कहा कि पोरा त्यौहार छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति और लोक जीवन की गहराइयों से जुड़ा पर्व है। गांव में पिछले 61 साल से
होला त्यौहार का आयोजन किया जाता है और हमारा सौभाग्य है कि इस बार पहली बार यहाँ होला महोत्सव में आए और इतना बड़ा आयोजन एक मड़ियापार जैसे गांव में। और पहले हम लोग बैल दौड़ को फिल्म में या टीवी में देखते थे, लेकिन प्रत्यक्ष यहाँ पर देखने का अवसर मिला है और इतना भव्य आयोजन के लिए मैं समस्त ग्रामवासी को, आयोजन समिति को उनको धन्यवाद देना चाहेंगे और उनसे उम्मीद करते हैं कि आगे भी आयोजन हर साल होता रहे और भव्य होता रहे और इसके लिए सरकार जो भी सहयोग कर सकती है वो करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय दोगुना करने लगातार प्रयास कर रही है, साथ ही प्रधानमंत्री की गारंटी को भी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और सांसद संतोष पांडे शामिल हुए। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अघोषित बिजली कटौती की शिकायत मिलने पर बिजली विभाग के अधिकारियों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। श्री शर्मा ने कार्य पर अनुपस्थित लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर को निलंबित करने के आदेश दिए। समीक्षा बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि लोगों की समस्या के निराकरण के लिए लगातार शिविर लगाए जाएं। हमने विभिन्न विभागों में चल रहे काम की समीक्षा की है और स्पष्ट निर्देश दिया है कि समयबद्ध काम हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पीएचसी के पाइपलाइन बिछाने का काम हो, चाहे किसानों के लिए हो और अन्य विषय, और समयबद्ध कार्यक्रम बना के राजस्व के मामले को निराकरण करें और अन्य मामले में तेजी के साथ कार्रवाई और लगातार शिविर लगते रहें ग्रामीण क्षेत्र में, ताकि ग्रामीण लोगों को शहर आने की जरूरत ना पड़े और वहीं की वहीं समस्या का निराकरण हो सके। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है और पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इसकी सरकार में जनवरी से जून महीने, छह महीने, प्रथम छह महीने में जो अपराध हुए थे उन अपराधों से आंकड़े कम हैं, आज भी कम हैं। उनको इस बात को समझना चाहिए और यूं ही किसी बात को करना कुछ नहीं है, मामला जैसे कोई पता ही नहीं है भाई क्या करें, कोई मामला समझ में नहीं आ रहा है तो उसी विषय पर वो काम शुरू कर रहे हैं। तगड़ी कार्यवाही पुलिस कर रही है और बहुत फ्रीडम दिया गया पुलिस को कि एफआईआर रोकना नहीं है भाई, एफआईआर करना है। आंकड़े दिखा करके हमको ये नहीं करना है अगली बार के लिए, आज तो आंकड़ा कम है, अगली बार के लिए आंकड़े कम नहीं दिखाना है, एफआईआर करके जाँच करनी। बैठक में डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, खुज्जी विधायक भोलाराम साहू, डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता गोस्वामी बघेल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अरे वाह, लेजेंड की बेल्ट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पर मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में नौ वर्दीधारी माओवादी मारे गए। घटनास्थल से उनके शवों के साथ काफी मात्रा में हथियार और माओवादी सामग्री बरामद की गई है। दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि दंतेवाड़ा और बीजापुर सीमावर्ती क्षेत्र पर पश्चिम उत्तर डिवीजन के माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर संयुक्त पुलिस पार्टी को सर्चिंग के लिए रवाना किया गया था। इसी बीच माओवादियों ने उन पर फायरिंग की। जवानों की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई के दौरान नौ माओवादी मारे गए। इनमें से दो माओवादियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुरंगेल लावा जो थाना किरंदुल अंतर्गत आता है, यहाँ पर पश्चिम मस्टर डिवीजन, दरबार डिवीजन एवं पीएलजी कंपनी नंबर 2 की नक्सलियों की उपस्थिति की आज सूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी
बस्तर पैट्रिक की टीम एवं CRPF 111-230 यंग प्लाटून की टीम जॉइंट ऑपरेशन में लॉन्च हुई थी। और आज मॉर्निंग 3 सितंबर को टीम ने जब घेराबंदी किया तो नक्सल द्वारा फायरिंग किया गया, उसके पश्चात जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ पश्चात 9 नक्सलियों का वर्दीधारी नक्सलियों का शव बरामद हुआ, साथ ही में हथियार, ऑटोमेटिक वेपन्स जैसे SLR 303, फैक्ट्रीमेड वेपन्स, इसके अलावा 315 बारबोर अन्य वेपन और भारी मात्रा में गोला बारूद और उनके दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में सभी जवान सुरक्षित हैं और इलाके में तलाशी अभियान जारी है। मनिंद्रगढ़ वन मंडल से जंगली हाथी कोरिया वन मंडल पहुंच गए हैं, इससे वहां के ग्रामीणों में दहशत का आलम है। ये जंगली हाथी फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग की टीम सलवा, सलका और आसपास के इलाकों में पहुंचकर लोगों को इन हाथियों से सतर्क रहने के लिए कार्य कर रही है। ये जंगली हाथी बैकुंठपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हाथी दलों पर निगरानी रखने के लिए वन विभाग की टीम ने गश्ती बढ़ा दी है। वन मंडलाधिकारी प्रभाकर खरखो ने बताया कि आसपास के गांवों में मुनादी करा दी है ताकि लोग हाथी से दूर रहें। अभी मनेंद्रगढ़ से होते हुए खिलहारी से होते हुए हमारे यहाँ 11 हाथियों का दल आया है और 11 हाथियों का दल आज सलवा बीट में है। तो हमारे वन विभाग के कर्मचारियों और हाथी मित्र दल के द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है और ग्रामीणों को सतर्क किया जाता है। अभी मैं 7 गांव में घूम के आई हूँ तो हमने प्रचार प्रसार किया और ग्रामीणों से अपील की कि हाथियों से छेड़छाड़ ना करें और किसी भी तरह से उनको नुकसान ना पहुंचाएं। और हमारी ग्रामीणों से यही अपील है कि लोग भी सुरक्षित रहें और हाथी भी सुरक्षित रहें। गौरतलब है कि इसके पहले भी हाथी दल कोरिया में फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। फिलहाल हाथियों के दल से किसी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए वन विभाग की टीम हाथी दल पर निगरानी रख रही है। पेरिस पैरालंपिक में भारत के सुमित अंतिल ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में अपना स्वर्ण पदक बरकरार रखा। अंतिल ने अपने दूसरे प्रयास में 70.59 मीटर भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड भी बनाया। भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक बैडमिंटन में नितेश कुमार ने पुरुष सिंगल्स SL3 श्रेणी में जीता। सुहास यतिराज ने पुरुष सिंगल्स SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता। महिला सिंगल्स SU5 में तुलसी मथी मुरुगेसन ने भी फाइनल में चीन की क्यू जिया यांग से हारने के बाद रजत पदक जीता। मनीषा रामदास ने डेनमार्क की कैथरीन रोसेनग्रेन को हराकर महिला एकल SU5 में वर्ग में कांस्य पदक जीता। नित्या श्री श्रीवन ने भी महिला सिंगल्स SH6 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट में शीतल देवी और राकेश कुमार को कांस्य पदक मिला। इससे पहले योगेश कुथनिया ने भी पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 वर्ग के फाइनल में रजत पदक जीतकर भारत को 5वें दिन का पहला पदक दिलाया था। भारत के पदकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और भारत पदक तालिका में 15वें स्थान पर पहुंच गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति ने कहा सभी शैक्षणिक संस्थान बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें। पुणे में सिम्बियोसिस विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिन की यात्रा पर हुए रवाना। मुख्यमंत्री दुर्ग जिले के मड़ियापार गांव में आयोजित पूरा महोत्सव में हुए शामिल। बैल दौड़ को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 9 वर्दीधारी माओवादी मारे गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।